और एक बार सुना प्रभु श्री राम मेरे पिता के समान है और सीता जी मेरी माँ के समान है, इसलिए हम तुम्हें अब माँ का दर्जा दे रहे हैं। और भोले बाबा ने सती जी को सामने आसन दिया और 87,000 वर्ष की समाधि को लगा दिया। एक बात बताएं, सामने का जो आसन होता है वो माँ का होता है, दाया जो अंग होता है वो बहन का होता है और बामा अंग पत्नी का होता है। सामने आसन दिया भोले बाबा ने सती जी को, 87,000 वर्ष की समाधि को लगा गए। और 87,000 वर्ष के बाद में जब समाधि जब खुली है, आकाश में विमान उड़ते हुए जा रहे हैं, विमानों को देख करके सती जी ने कहा है, प्रभु ये आकाश में जो विमान उड़ते जा रहे हैं ये कहां जा रहे हैं? तुम्हें क्या मतलब है इंजू? मतलब नहीं है कछु ना, चुप बताओ। अरे तुम चुप जा बैठो। नहीं बताओ ये कहां जा रहे हैं? देखो तुम चुप रहो बाबा, हमने बताए रहे। नहीं बताना तो पड़ेगा। अच्छा हाँ, जे माँ जा रहे कहाँ? अब तुम रहते हो नहीं बताओ। अरे हाँ तो जरूरी है तुम्हें? बिल्कुल, तुम्हारे पिताजी ने एक गिर चाहिए तो जा रहे। पिताजी ने? हाँ। कहने का मतलब हमारे पिताजी ने यज्ञ रचाई लेकिन हमें क्यों नहीं बुलाया? तुम्हें नौता ना दाओ। क्यों? अब बेजाने का क्यों 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 बेई बात बेजाने का क्यों नहीं दाओ हमें? भोले बाबा कहने लगे, सती जी तुम नहीं जानती, तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रचाया है और यज्ञ में हमको तुमको नहीं बुलाया। क्यों? इसमें कारण है, एक बार हम दक्ष प्रजापति की सभा में बैठे हुए थे, तुम्हारे पिता के आने पर सभी खड़े हो गए थे, हम समाधि में लीन थे, हम उठ के खड़े नहीं हो पाए, तो दक्ष प्रजापति ने ये कहा था, भोला भंडारी तूने मेरा अपमान किया है लेकिन मैं तुमको अपने यहां पर कभी नहीं बुलाऊंगा, इसलिए हमारे लिए कोई निमंत्रण नहीं है। अब बाल हटक त्रिया हटक परिचित मारा, बाल हटक त्रिया हटक, अगर बाल हटक पकड़ जाए तो कितने खिजाप लगाइए फिर भी सफेद के सफेद ही रह जाए।